मित्रों आज बात करेंगे मेष राशि का राशिफल वर्ष 2021। मेष राशि वालों के लिए 2021 ये वर्ष कैसे होने जा रहा है। बात करेंगे मेष राशि वालों का एक अपना एक गुण है, वो एक आत्म केंद्रित रहते हैं, आशावादी बहुत ज्यादा होते हैं और तेजी से काम करते हैं। उनके तेजी से काम करने का गुण जो है वर्ष 2021 में बहुत ज्यादा कारगर होने जा रहा है। जो सपने जो प्रोजेक्ट उन्होंने कई वर्षों से सपने सजाए हुए हैं वो इस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बात करते हैं वर्ष 2021 में ऐसा क्या होने जा रहा है। वर्ष के आरंभ में ही मंगल स्वग्रही होकर आपके लगन में बैठकर चार चांद लगा रहे हैं, वहीं गुरु और शनि का गोचर भी आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। राहु केतु ऑलरेडी आपके सपोर्टिव है, बट पहले 3 महीने थोड़ा ध्यान रखिए, समय थोड़ा धन के मामले में या आय के मामले में थोड़ा सही नहीं है। आय आपकी इच्छा के मुताबिक थोड़ा कम होने जा रही है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। पहले 3 महीने खासकर मार्च में कोरोना जैसे या कोई भी और इन्फेक्शन डिजीज होने की संभावना है, सेहत का ध्यान रखेंगे। इनकम थोड़ा डिले रहेगी तो पहले 3 महीने भी आपके आसानी से गुजर जाएंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था वर्ष 2021 मेष राशि, पहले 3 महीने धन की आवक में की गति को थोड़ा धीमे दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं आपको। तो पहले 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च में धन की आवक या धन की स्थिति या धन की गति थोड़ी धीमी रहने वाली है। सेहत का ध्यान रखिएगा, खासकर मार्च में इन्फेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। जरा सा भी लापरवाही सेहत के प्रति मार्च के महीने में वर्ष 2021 में ना बरतें, सेहत का ख्याल रखें। पहले 3 महीने आपके जो हैं जनवरी फरवरी मार्च, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग करने का वक्त है। पूरे वर्ष आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर अपने जीवन के प्रति अपने वर्ष के प्रति अपने 2021 जो आपका है आपका ही होने जा रहा है तो कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले 3 महीने अगर प्लानिंग में रिसर्च में अगर लगाए जाए तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, बार बार आपको बोला जा रहा है मार्च के महीने में खासकर। आपने जो पहले 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च में जो प्लानिंग की है वो अप्रैल मई और जून में एग्जीक्यूट होने जा रही है। अगर आप कोई मेष राशि के जातक अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या अभी हाल ही में उन्होंने कोई बिजनेस किया या वर्ष के पिछले वर्ष के यानी 2020 के अंत में उन्होंने कोई नया बिजनेस किया है और वो जो ऐसा बिजनेस जो आप करने जा रहे हैं आप कर चुके हैं जो विदेश की फंडिंग पर आधारित है, आपको खुशखबरी ये है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको विदेश से फंडिंग होने जा रही है। ऐसी पूरी संभावना पूरे योग आपकी कुंडली में आपके राशिफल में वर्ष 2021 में बने हुए हैं। तो जो लोग जिनका बिजनेस विदेश की फंडिंग पर आधारित है वो तैयार हो जाए, उस बारे में प्रयास करें, जरूर ही निश्चित ही उनको विदेश से फंडिंग प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है वर्ष 2021 के दूसरे 3 माहों में यानी अप्रैल मई और जून में प्राप्त होने जा रही है। वर्ष के प्रारंभ में जैसे मैंने पहले बताया था मंगल प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य उनके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपको पूरे वर्ष बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाती है और साथ ही आप वर्ष राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि वालों के परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत बहुत अच्छी होने जा रही है। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ष 2021 में पूरे वर्ष बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून के बाद बात करें तो जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनकी भी तनख्वाह यानी इनकम यानी जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत अच्छी होने जा रही है। तो पहले 3 महीने थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, सेहत के प्रति ध्यान रखने की जरूरत है। मार्च अप्रैल और मई की बात करेंगे, मार्च के बाद अप्रैल मई और जून की बात करेंगे तो ये पहले 3 महीने की अपेक्षा बहुत अच्छा होने जा रहा है। यानी पहले 3 महीने प्लानिंग के, दूसरे 3 महीने एग्जीक्यूशन के, इस दूसरे 3 महीने में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो वो भी आपको तरक्की होने जा रही है। अगर आप फंडिंग की या विदेशी फंडिंग की उम्मीदें लगाते हैं और उस तरफ प्रयास करते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होने जा रही है। तो आपकी बहुत सारी इच्छाओं की, धन से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करने जा रहे हैं। जिन लोगों की पेमेंट या कोई धन पिछले काफी समय से रुका हुआ है उनको वो पेमेंट निकल जाएगी, प्रयास करें। कोई फंसा हुआ धन अगर आपका है या उधार दिया हुआ धन है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा।
जो लोग प्रेम संबंध में हैं या जिनके माँ बाप उनके रिश्ते को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने जा रहा है। उनके जो प्रेम संबंध है वो शादी जैसे विकल्प खुलते हुए जैसे आपको नजर आएंगे, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जो लोग काफी समय से मेष राशि के जातक प्रेम संबंध में हैं, इस वर्ष उनके शादी होने के पूरे योग बन रहे हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं माता पिता हैं वो भी आपके संबंध को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी इस पूरे वर्ष हनुमान जी आपका साथ दे रहे हैं। साल के अंतिम तीन महीनों में कोई विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। अगर कोई लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए साल के अंतिम तीन महीने में अगर वो प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने जा रहा है। उनकी मेहनत रंग लाएगी, ध्यान रखिएगा मेहनत ही रंग लाती है। जो लोग अभी शिक्षा पूरी करके नौकरी में जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी कोई कंपटीशन या कोई रिटन टेस्ट फेस किया है, उनकी भी नौकरी लगने जा रही है। जो लोग विदेश से स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी विदेश से स्कॉलरशिप प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो इस वर्ष भी जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं, जिन लोगों के माता पिता बुजुर्ग उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस वर्ष वो आपके रिश्ते को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, या ये कहें आप अगर उनको दोबारा से प्रयास करेंगे मनाने की तो वो आपके रिश्ते को स्वीकार करने जा रहे हैं। जो लोग पिछले काफी समय से ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, करियर की अपॉर्चुनिटी इस वर्ष आपको भरपूर मिलने जा रही है। इस वर्ष आपका करियर में भी सक्सेस के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनको नौकरी भी अवश्य मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो बात करते हैं अप्रैल और मई पूरे वर्ष में ये दो महीने आपको विदेश की में नौकरी दिलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। तो अगर इन दो महीनों में पूरी प्लानिंग और रिसर्च की जाए या अप्लाई किया जाए तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने की संभावना है। यानी अप्रैल और मई ये आपकी विदेश यात्रा नौकरी से संबंधित विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं या उन्होंने ऐसे प्रयास करे हैं या उन्होंने कोई रिटन टेस्ट ऐसा दिया है, तो अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट उनके फेवर में जाने वाला है। या इसको इस तरह से कहें कि जो मेष राशि वाले जो जातक सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो अक्टूबर नवंबर 2021 में उनको ये सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, वैसे तो साल के शुरुआत में ही मंगल आपके मेष में ही राशि में ही विराजमान है, तो ये काफी आपको इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग कर देंगे, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ा देंगे। तो मंगल के मेष राशि में होने की वजह से आपको काफी रोगों से निजात मिलने की संभावना है, लेकिन शनि और शुक्र का जो योग बन रहा है आपके कुंडली में, उसमें इन्फेक्शन जैसी या कोरोना जैसी बीमारी होने के पूर्ण पूर्ण योग बन रहे हैं, खासकर मार्च में। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो जो कोरोना वायरस से बचने के जो सैद्धांतिक नियम है जो सरकार द्वारा बनाए भी गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा बनाए गए, उन नियमों का अगर आप कड़ाई से पालन करेंगे तो इस बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। मेरी सलाह है जो लोग बाहर भोजन करते हैं या बाहर फास्ट फूड खाते हैं, अगर वो इससे बचेंगे, पूरे वर्ष उनको इससे बचने की सलाह दी जाती है, अगर वो इससे बचेंगे तो भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। अन्यथा साल के मध्य के महीने जो बात करते हैं अप्रैल से लेके अगस्त तक, ये आपको एक गंभीर बीमारी होने का योग दे रहे हैं, और इसका एक कारण सीधा सीधा यही है कि आप जो बाहर खाना खाने का जो शौक है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साल के अंतिम दो महीने की बात करें तो नवंबर दिसंबर ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। पैरों में दर्द या जो शरीर के जॉइंट्स हैं या बोन जॉइंट्स हैं या हड्डियों के जोड़ है, उन जॉइंट्स में दर्द होने की संभावना पूर्ण बन रही है। इसलिए मेरी हिदायत है कि बाहर फास्ट फूड या ऐसी चीजें कम से कम खाएं या परहेज करें
तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई विवाद, कोई वैमनस्य अगर आपका चलता आ रहा है, इस वर्ष वो हल होता हुआ नजर आएगा। यदि आप चाहते हैं कि रिश्तों में सुधार हो, अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो पारिवारिक सभी रिश्तों में आपकी संपन्नता नजर आ रही है, प्रसन्नता नजर आ रही है। कोई विवाद अगर परिवार में, कुटुंब में पुराने समय से काफी चलता रहा है तो उसको हल करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो भी आपके वो सफल होते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं धन की, तो धन इस वर्ष आपको बहुत, जो भी धन से संबंधित आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होने जा रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिलने जा रहा है, नहीं, आपको मेहनत से किया हुआ धन आपको मिलने जा रहा है, आपको धन मिलने जा रहा है। बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की, ये महीने मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआती तीन महीने आपकी जो धन की आवक है या इनकम है वो थोड़ी मंदी रहेगी या कमी रहेगी। अप्रैल माह से आपकी धन की आवक या धन की जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो आपकी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। साल के मध्य के जो छह महीने हैं यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक, इन महीने में, इन छह महीने में आपकी धन की आवक यानी इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है। साल के शुरुआती तीन महीने और साल के अंतिम तीन महीनों में धन की गति मध्यम रहने वाली है। जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं या मकान बनाना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे उनको सलाह है कि इस क्षेत्र में अपना समय बर्बाद ना करें। साल के अंतिम तीन महीने में अगर इस क्षेत्र पे कार्य किया जाए, मकान बनाना है, मकान ढूंढने पे कार्य किया जाए तो आपको सफलता नजर आ रही है। यानी साल के शुरू के नौ महीने अगर मकान की प्रायोरिटी को या इससे संबंधित विषय को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस विषय पर साल के अंतिम तीन महीनों पर विचार करेंगे तो सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग बहुत अच्छी सपनों की गाड़ी जिसको बोला जाता है, या कोई अपनी नई कार खरीदना चाह रहे हैं, ऐसी कार जो आपके बजट से बाहर है, इस वर्ष मुझे वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। मेरा ये मानना है, मेरी कैलकुलेशन है कि होली या ज्यादा से ज्यादा रक्षाबंधन तक, आने वाले रक्षाबंधन तक आप अपना कोई नया जो पसंदीदा वाहन, ऐसा नहीं कि आप वाहन की मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेंस की बात कर रहा हूँ, मैं उस कन्वेंस, उस कार की बात कर रहा हूँ जिसको आप पसंद करते हैं, वो रक्षाबंधन तक हर हालत में मिलने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। सिर्फ आपको एक कदम उस ओर बढ़ाना है। जिन लोगों को संतान की चाहत है, इस वर्ष सूर्य आपके नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं आपको, और मेष राशि में खुद मंगल विराजमान है, या कुल मिलाकर ये बोले कि तो संतान के योग पूर्णतः बने हुए हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं वो अगर इस ओर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती हुई, पूर्णतः सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मंगल यानी हनुमान भगवान की आराधना करें, सूर्य को नित्य प्रति जल दें, सूर्य भगवान की आराधना करें, इन्हीं दो आराधना से आपको संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो साल के तीन महीने में तो आपको सब कुछ नॉर्मल नजर आएगा, सब कुछ ठीक ठाक नजर आएगा, लेकिन जैसे ही बुध अपनी दिशा बदलेंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र को बल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या इस विषय पर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अगर संपर्क करें, विश्लेषण कराएं कुंडली का, तो आपको सलाह दी जाती है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों का दाम्पत्य जीवन वर्ष 2021 के बात करें तो शुरुआत के तीन महीने में यह एक नॉर्मल यानी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो पहले तीन महीने तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन बुध जैसे ही अपनी दिशा बदलेंगे आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा सुझाव है शुक्र को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक बल दें, या ये सलाह है कि किसी ज्योतिषाचार्य से अगर इस बारे में विचार विमर्श कर ले तो, यानी कंसल्टेशन ले ले तो इस क्षेत्र में आपके लिए सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। मेष राशि वालों का बात करें लाभ, बिजनेस अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट होने जा रहा है अगस्त नवंबर के महीने में। अगर जो लोग बिजनेस करते हैं या प्रॉफिट बिजनेस से नहीं आ रहा है, चिंता ना करें, मेहनत करते रहें। अगस्त और नवंबर ये दो महीने ऐसे हैं कि आपके पूरे वर्ष का जो प्रॉफिट है इन्हीं दो महीने में निकलने जा रहा है। मध्य के छह महीने जो है वो लाभ में आपकी
प्रगति करेंगे, लेकिन अगस्त से और लगातार दिसंबर तक आपकी जो इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, लाभ है, वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। पूरे वर्ष मेरी सलाह है खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चे बार बार आपके नियंत्रण से बाहर होते हुए नजर आएंगे। अपनी मुट्ठी बंद रखें और शनि की दृष्टि से बचने की कोशिश करें। कम से कम लिक्विड, कम से कम कैश कैरी करेंगे तो शायद आप खर्चों से बच सकते हैं। नवंबर दिसंबर महीने में खर्चों की अत्यधिक बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि खर्चों पर नियंत्रण पूरे वर्ष अगर आप रखेंगे तो ही आप कुछ धन से संबंधित संचय यानी सेविंग कर पाएंगे। बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए दिक्कत हो सकती है, पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है। तो किसी खास व्यक्ति या किसी खास मित्र से पार्टनरशिप ना करें। स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं या फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, बट पार्टनरशिप की मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप आपकी जो इस वर्ष आप करने जा रहे हैं वो आगे चलकर आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो पार्टनरशिप से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं का व्यवसाय करें, अकेले व्यवसाय करें, फाइनेंशियल आप ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, पार्टनरशिप मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आपको नुकसानदायक साबित होने वाली है। पूरे वर्ष का निष्कर्ष निकालूं तो जो लोग नौकरी की इच्छा कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने वाली है, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है, जो लोग स्टूडेंट हैं या विशेष विदेश से स्कॉलरशिप की उम्मीद रखते हैं उनकी स्कॉलरशिप उनको मिलने जा रही है, जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी के योग बन रहे हैं। पर दाम्पत्य जीवन में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन में और सेहत में, सेहत के मामले में मार्च के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन पूरे वर्ष और सेहत के मामले में मार्च का महीना, और यदि आप पूरे वर्ष बाहर नहीं खाना खाएंगे तो सेहत भी आपकी ठीक रह सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए मैं कहूंगा कि आप किसी ना किसी ज्योतिषाचार्य से, विद्वान से सलाह लेंगे और उसके अनुसार उपाय करेंगे तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप ईश्वर को धन्यवाद ना करें। समय समय पर हनुमान जी की और भगवान सूर्य की आराधना करते रहेंगे तो परेशानियां अपने आप हल होती भी चली जाएंगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप ईश्वर को धन्यवाद ना करें। समय समय पर हनुमान जी की और सूर्य की, सूर्य भगवान की, सूर्य देव की आराधना करने की सलाह मेरी ओर से आपको दी जाती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई आपके सुझाव या कोई आपका प्रश्न या कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल से कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स, आपको आने वाले चैनल में जो भी कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं वो आपको लगातार उसकी सूचना प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।